आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही एक्टिव मोड में आया प्रशासन। डीएम संबल ने प्रेस वार्ता कर आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। जिले में 15 जनवरी तक रैली नुक्कड़ सभा समेत चुनाव प्रचार पर लगाई रोक। संबल जिले में 903 मतदान केंद्र एवं 1810 बूथ बनाए गए। मतदान दूसरे चरण यानी 14 फरवरी को होगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के दिए निर्देश। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कही कार्रवाई की बात। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में की प्रेस वार्ता। देखिए जिला बिरोची मुकेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि कल चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई और चुनाव की उद्घोषणा भी कर दी गई। संबल जनपद में चारों विधानसभा पर चुनाव जो है द्वितीय चरण में होंगे, जो कि जो पोलिंग डेट है वो 14 फरवरी होगा। और इस संबंध में कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश ये हैं कि कोई फिजिकल रैली पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 15 जनवरी तक अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई मीटिंग है नहीं अलाउ किया गया है 15 जनवरी तक। कोई रोड शो पदयात्रा इत्यादि ये सब जो 15 जनवरी तक मना है, और उसके बाद आयोग इस चीज़ को डिसाइड करेगा कोविड को देखते हुए कि नया जो गाइडलाइंस है वो क्या होगा। कितने मतदान केंद्र बनाए गए, कितने बूथ बनाए गए? यहाँ कुल जो है 903 मतदान केंद्र है और 1810 बूथ है। चार विधानसभा और एक विधानसभा जो बिलारी है उसका आंशिक 66 बूथ है। अच्छा, जैसा कि जो रसद विभाग द्वारा खाद्यान्न बांटा जा रहा है उस पर जो फोटो छपे हुए बांटे जा रहे हैं, क्या वो बढ़ते रहेंगे या रोक लगेंगे? नहीं, जिन पर फोटो है वो फोटो सब हटाए जाएंगे। वो ऐसे फोटो कोई भी नहीं बांटे जाएंगे जिस पर थैले जिस पर फोटो है वो ऐसा नहीं बटेगा, और बाकी राशन जो है वो बढ़ते रहेंगे। कोरोना गाइडलाइन को लेकर क्या विशेष निर्देश? कोरोना गाइडलाइंस को लेकर विशेष यह है कि जितने भी मतदान कर्मी हैं वो डबली वैक्सीनेटेड रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। इसके अलावा रैलियों इत्यादि में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन होगा। और जो रैली का आयोजन करेंगे उन रैलियों में वो जो नियम है उस नियम के हिसाब से फेस मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था कराएंगे। अगर कहीं पर कोई चूक होती है तो उनको रैली का आयोजन करने से उनको आगे रोक दिया जाएगा।